हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मैंने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक जो है आपका एनकोडर। तो एनकोडर के बारे में मैंने आपको बताया था एनकोडर क्या होता है, ठीक है, कि एनकोडर में मैनी इनपुट मैनी आउटपुट होते हैं, यानी 2 की पावर n इनपुट और n आउटपुट। तो जरूरी नहीं है कि 2 की पावर n ही इनपुट हो हमेशा, 2 की पावर n इनपुट या उससे कम भी इनपुट हो सकते हैं, और आउटपुट क्या होंगे आपके, n आउटपुट होंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको एक एनकोडर बना के दिखाया था कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, क्योंकि एनकोडर का जो यूज होता है वो आप जानते हैं कि एनकोडर हम किस लिए यूज करते हैं, अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अदर कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनकोडर का। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू बीसीडी, ये सब एग्जांपल किसके हैं, एनकोडर के, ठीक है। एनकोडर आप देख रहे हैं कि सभी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोडर, फिर मैंने आपको ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर बताया था और उसमें एक लिमिटेशन बताया था कि एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है, ये लिमिटेशन है। तो नॉर्मल एनकोडर में क्या होता है, नॉर्मल एनकोडर में आपका एक टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है। अगर एक से ज्यादा इनपुट हम हाई करते हैं एक टाइम में तो क्या होगा, वहां पे आउटपुट अनडिफाइंड कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये कल मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम में, सेम टाइम में एक ही इनपुट हाई हो सकता है, एक से ज्यादा इनपुट हाई करेंगे हम तो क्या होगा, आउटपुट अनडिफाइंड होगा, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि D3 और D6 को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो D3 और D6 को हाई कर दिया तो आपने देखा था कि D3 और D6 को हाई करने पे आपने देखा था कि क्या हो रहा था कि D6 और D3 को मैंने हाई किया तो हमने जब वहां पे इक्वेशन देखा था तो आउटपुट हमारे पास XYZ आ रहा था 111, यानी 111, जो कि ना ही 3 को रिप्रेजेंट करता है, 3 की बाइनरी को, ना ही 6 की बाइनरी को। तो इसीलिए आउटपुट अनडिफाइंड आ रहा था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रायोरिटी, प्रायोरिटी एनकोडर। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जैसे अगर हम बात करें 3 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6, तो 6 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो आउटपुट पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो आज हम उसी को हम डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, ठीक है। हमारा उसी में आगे टॉपिक है प्रायोरिटी एनकोडर। तो देखिए प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, प्रायोरिटी एनकोडर का मतलब है कि प्रायोरिटी एनकोडर भी एक एनकोडर सर्किट होता है, क्योंकि हम लोग एनकोडर पढ़ चुके हैं नॉर्मल एनकोडर, उसी में क्या आया, प्रायोरिटी एनकोडर। इसकी क्यों जरूरत हुई, क्योंकि हमने देखा कि हम एक टाइम में एक ही इनपुट हाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा इनपुट हाई करते हैं तो आउटपुट क्या आता, अनडिफाइंड, इसीलिए प्रायोरिटी एनकोडर आया है, ठीक है। तो प्रायोरिटी एनकोडर देखिए क्या होता है, प्रायोरिटी एनकोडर एक एनकोडर सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी फंक्शन इंक्लूड होता है। तो आपका प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है, प्रायोरिटी एनकोडर एक एनकोडर सर्किट होता है जिसमें कि प्रायोरिटी फंक्शन इंक्लूड होता है, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखिए जब या यदि हम मान रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हमने हाई किए हैं सेम टाइम में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट, क्योंकि अभी एक ही इनपुट हाई हो सकता था, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्योंकि एक टाइम में एक ही इनपुट हाई कर सकते थे। अब क्या है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा इनपुट को हाई करेंगे सेम टाइम में तो जिस नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी आउटपुट पे वो नंबर आएगा बाइनरी में, ठीक है। तो जिस नंबर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी देन वो आउटपुट पर आएगा आपका बाइनरी, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं मान लो 4 वेरिएबल, ठीक है, 4 वेरिएबल,
फोर वेरिएबल से 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हम बात कर रहे हैं फोर वेरिएबल, हमने मान लिया कि जैसे हमने मान लिया कि आपका है D3, D2, D1, D0 या I3, I2, I1, I0। तो I3 सबसे बड़ा है, I3 सबसे बड़ा है, इसका मतलब है अगर हमने I3 को 1 कर दिया और रिमेनिंग इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट पे क्या आएगा? I3 यानी कि 3, है ना? आउटपुट पे क्या आएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पे 3 आएगा तो हमारी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? I3 की, क्योंकि I3, I2, I1, I0 इन चारों में बड़ा कौन सा है? 3 वाला सबस्क्रिप्ट नंबर, क्योंकि आप नंबर जान रहे हैं 3, 2, 1, 0 में कौन सा बड़ा होगा? 3 वाला। तो आउटपुट पे कौन सा आएगा? 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट लोअर लेवल पे जाएंगे, 3 के बाद किस पे जाएंगे? 2 पे जाएंगे, देन 1 पे जाएंगे और फिर 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। ट्रुथ टेबल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने मान लिया कि D3 इनपुट्स हमारे हैं और आउटपुट्स, तो ये हो गया D3 इनपुट हो गया, D2, D1 एंड D0 चार इनपुट ले लिए हमने। ठीक है, अब देखिए, या इसको हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, इस पर कोई ज्यादा वो नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहां पे डोंट बी कंफ्यूज, D0 मान लिया मैंने, D1 मान लिया, D2 एंड D3। आउटपुट जो मैंने माना है, एक है X आउटपुट, दूसरा है Y, और एक और थर्ड आउटपुट लिया V, ठीक है। अभी एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा सभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनपुट्स आप देख रहे हैं, D0 है, D1 है, D2 एंड D3 है, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि D3 सबसे बड़ा है। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि राइट में मैंने लिख दिया, जबकि हमें पता है कि जो नंबर होता है लेफ्ट में सबसे बड़ा होता है। इसमें राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर हमने इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए हमारा? ये आना चाहिए, यानी 3 को दिया तो आउटपुट पे 3 आना चाहिए, 2 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है तो 2 आएगा, 1 को दिया है तो 1 आएगा, 0 को दिया है तो 0 आएगा। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि सबसे लेफ्ट में बड़ा होता है, राइट में छोटा। तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर हम मान इसको हम D0, D1, D2, D3 ना मान के ABCD लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम जैसे ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि सभी बिट्स क्या है? 0 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने, ये हमारा 1 है, ये क्या है? 0 है। फिर ये वाला 1 है, ये 0 है, और यहाँ पे क्रॉस हो गया, देन ये वाला हमारा क्रॉस है, ये भी क्रॉस, ये 1 हो गया, ये 0, देन ये क्रॉस हो गया हमारा, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये 1। ठीक, आउटपुट जो आ रहा हमारा वो आ रहा है ये, देन 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, और वैलिड बिट इंडिकेटर जो है ये 1 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं ट्रुथ टेबल को, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको, तो सही से आपको समझ में आ पाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो इनपुट लिए हैं, इनपुट कितने हैं? 4 हैं, D0, D1, D2, D3, आउटपुट कितने हैं? X, Y और V, 3 आउटपुट हैं आपके। ठीक है, 3 आउटपुट हैं। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है, ये ट्रुथ टेबल है 4 इनपुट प्रायोरिटी एनकोडर। कितने इसमें आप देख रहे हैं जो ट्रुथ टेबल है, इसमें 4 इनपुट प्रायोरिटी एनकोडर का ये ट्रुथ टेबल है, जिसमें 2 आउटपुट है X एंड Y, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X एंड Y, और थर्ड आउटपुट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेजिग्नेट कर रहे हैं किससे? V से। V यहाँ पे क्या है? वैलिड बिट इंडिकेटर। V क्या है? वैलिड बिट इंडिकेटर। अब देखिए, ये जो वैलिड बिट इंडिकेटर है, इसकी वैल्यू
क्या होगी, वन होगी कब, वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू जीरो कब होगी और वन कब होगी। वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू वन तब होगी जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे, एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई है तो देखिए वन आ गया, यहाँ पे भी वन है ये वन आ गया, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। अभी मैं क्रॉस का भी मतलब बताऊंगा। तो यहाँ पे आए वैलिड बिट इंडिकेटर क्या होगा, वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू वन होगी जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे और जब सभी इनपुट जीरो होंगे। देखिए जब सभी इनपुट जीरो होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो जब सभी इनपुट जीरो होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। और जब सभी इनपुट आपके जीरो है तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या आ रही, जीरो आ रही है। और जो वैलिड बिट इंडिकेटर है इसकी वैल्यू जीरो आ रही है उस समय जो अदर दो आउटपुट है एक्स एंड वाई इनकी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं हो रही है तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डोंट केयर से। क्रॉस आप देख रहे हैं डोंट केयर, इसका मतलब है स्पेसिफाई नहीं हो रही है आउटपुट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट डिफाइन नहीं है एक्स और वाई फॉर इनपुट डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि हमने एनकोडर देखा था कि ये तो मस्ट है कि एक इनपुट हाई होना चाहिए तभी आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट मिलेगा हमें, यानी एक टाइम में एक इनपुट हाई होना चाहिए तो आउटपुट पे हमें बाइनरी फॉर्म में मिलेगा आउटपुट। लेकिन मैंने आपको जब कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था तो ऑक्टल टू बाइनरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि सभी इनपुट क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पे देखिए सभी इनपुट जीरो है उस पे ये डिफाइन नहीं है क्योंकि ये कंडीशन थी नहीं, ये नहीं था वहां पे एक्स वाई की क्रॉस क्रॉस, क्योंकि वहां पे मिनिमम क्या था वन, यानी एक इनपुट हाई था। एक इनपुट हाई था तो उस केस में क्या होगा आपका, या तो जीरो वन ऐसे आ रहा था आउटपुट, ठीक है बाइनरी आउटपुट। लेकिन जब सभी इनपुट जीरो कर देंगे तो एक्स वाई डिफाइन नहीं होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं डोंट केयर। तो जब सभी इनपुट जीरो है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या डिफाइन नहीं है तो इसीलिए क्या आया डोंट केयर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है हमने जो ट्रुथ टेबल ले रहे हैं यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, चार इनपुट है। चार इनपुट्स का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे बाइनरी में। अगर हम बात करें जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी होंगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमने लिखा डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री है ना, वो क्या है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो चार इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 16, 2 की पावर 4, 16, यानी 16 मिनटम्स जिसमें हमने सभी रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। ठीक है, सभी मिनटम्स रिप्रेजेंट नहीं किए हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि चार इनपुट्स का मतलब हुआ कि 16 पॉसिबिलिटीज, और 16 पॉसिबिलिटीज को हमने सभी को रिप्रेजेंट नहीं किया है। एक्स हमने लिया है और यहाँ पे एक्स या क्रॉस का मतलब क्या है, वन या जीरो, वन या जीरो, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे फिर से समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी एनकोडर क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी आउटपुट पर वही आएगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लीजिए डी इन तीनों में बड़ा कौन सा है, देखिए डी थ्री डी टू डी वन डी जीरो में बड़ा कौन सा है, डी थ्री। तो हमने मान लिया कि डी थ्री को मैंने हाई कर दिया, ठीक है डी थ्री को क्या कर दिया हाई, और उस समय डी टू डी वन डी जीरो इनकी वैल्यू कुछ भी हो, क्रॉस मतलब क्या है, चाहे इनकी वैल्यू वन हो और चाहे जीरो हो, उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी डी थ्री, तो आउटपुट पे क्या आएगा थ्री। तो देखिए एक्स वाई ये देखिए आ गया वन वन, ये तो मैंने आउटपुट आपको पहले ही समझा दिया था वैलिड बिट इंडिकेटर, तो आउटपुट पे क्या आया थ्री आया, क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने डी थ्री हम इन तीनों चारों में देख रहे हैं कि डी थ्री सबसे बड़ा है, तो डी थ्री सबसे बड़ा है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो डी थ्री को हमने वन कर दिया और उस समय डी टू डी वन डी जीरो की वैल्यू रिगार्डलेस, यानी कि कुछ भी हो चाहे जीरो हो या वन हो, ठीक है
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी है, D3 को दिया है, तो आउटपुट पे क्या आएगा 3, यानी कि D3 मतलब क्या आना चाहिए 1 1, तो आ गया 1 1। देन इससे अब D3 के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी लेवल देखेंगे, यानी थोड़ा सा इससे लोअर लेवल प्रायोरिटी लेवल देखेंगे, और वो कौन सा होगा D3 के बाद D2। ठीक है, अब हमने मान लिया कि D2 हाई है, अब हमने मान लिया कि D2 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है, तो D2 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है उस समय क्या होगा, D1 और D0 कुछ भी रहे क्या होगा, अगर हमने D2 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है तो D1 और D0 की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे दोनों 1 1 रहे चाहे 0 रहे, हमने प्रायोरिटी किसको दी है D2 को, तो ये बड़ा होगा, और उस समय D3 क्या होगा, मस्ट बी 0, क्योंकि D3 बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि D3 नंबर में तो बड़ा है, लेकिन हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी है, इसको दी है, तो ये 1 है, अगर यहाँ पे भी हम 1 लिख देते तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता कंसेप्ट, क्योंकि इस समय हम आप क्या बना रहे हैं D2 को हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो ये जो है D3 मस्ट बी 0, और इन दोनों की वैल्यू कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 D2 का मतलब 2 यानी 1 0 आ गया। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी लेवल क्या होगा, 1 D1 को हमने हाई कर दिया, D1 को हाई कर दिया, तो उस समय D0 की वैल्यू कुछ भी रहे चाहे 0 रहे 1 रहे, और D2 और D3 मस्ट बी 0, ये कभी भी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमने प्रायोरिटी लेवल किसको दिया है D1 को, तो D1 को हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल दिया है, D1 मतलब 1 आना चाहिए, तो 0 1। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी लेवल देखेंगे D0, तो D0 देखे हमने हाई कर दिया, उस समय D1 D2 D3 मस्ट बी 0, तो D0 हाई यानी आउटपुट क्या आना चाहिए 0 0 0। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, KMF से एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसको डिजाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप देख रहे हैं 4 इनपुट हैं, तो यानी 16 का KMF बनेगा, 16 का KMF बना लिया हमने, ये देखिए नंबरिंग कर दीजिए 0 1 3 2 4 5 7 6 है ये 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए हमारा इनपुट क्या है, जैसे है D0 D1 D2 एंड D3, ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक तरह से लेफ्ट में लिखें तो बड़ा नंबर, हम लोग MSP ये कह रहे हैं, बस ये नंबर हमने जो है बस वो लिखा, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि MSB और LSB कौन सा है, तो MSB तो लेफ्ट वाला ही होता है ना, और राइट वाला क्या होता है LSB, तो इसीलिए बड़ा तो यही होगा, लेकिन हमने उसको डेजिग्नेट कर दिया 0 से, तो इसलिए वो 0 वाला छोटा हो गया उस फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये D0 bar 0 1 1 1 and 1 0, और ये D2 D3 bar D2 0 1 then 1 1 and 1 0। ठीक है, अब देखिए पहले x के लिए हम निकाल रहे हैं, x के लिए आप देखेंगे 0 पे, तो देखिए आपको दिख रहा है डोंट केयर है, डोंट केयर प्लॉट कर दिए, फिर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मेन टर्म्स को ही सॉल्व करते हैं, यानी जो आउटपुट 1 है यानी SOP के लिए निकालते हैं जनरली, तो हमारा जो 1 है देखिए, एक तो ये 1 है किस पे है, इस पे है, और ये 1 है इस पे है, तो हमें इसके लिए पॉसिबिलिटीज लिखना होगा, क्योंकि क्रॉस क्रॉस मैंने आपको अभी बताया था आइदर 1 और 0, तो देखिए ये है एक क्रॉस क्रॉस 1 0, तो देखिए क्रॉस क्रॉस 1 0 का मतलब ये हुआ कि दो ये वेरिएबल हैं, तो आप जानते हैं दो वेरिएबल से चार पॉसिबिलिटी होती है 0 0 0 1 1 0 1 1, सभी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी, और आगे जैसे था ये 1 0 ऐसे ही 1 0 ऐसे ही 1 0 ऐसे ही 1 0 ऐसे ही, तो देखिए क्या मिल गया, ये देखिए 0 0 1 0 2 हो गया,
6 हो गया, ये 8 टू 10 हो गया और ये 12 हो गया, नहीं ये 14 हो गया सॉरी, ये 2 हो गया, 6 हो गया, ये 10 हो गया और ये 14, इन पे 1 भर देते हैं, 2 6 10 14 10 14। और थर्ड वाला ये देखिए, इस पे 1 है, इस पे 1 है मतलब क्या हो गया, क्रॉस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, क्रॉस 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 1, ठीक है, ये हमारा ठीक। तीन वेरिएबल से आपको पता है कि 8 पॉसिबिलिटी होती है, यानी देखिए 1 2 3, तीन वेरिएबल में क्रॉस लगा इसका मतलब ये आपके 8 पॉसिबिलिटी, 4 0 4 1 00 00 00 01 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
ये देखिए कितना हो गया, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 2, 10, 11, 13 and 15. तो 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13 and 15. देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये एक ऑक्टेट बन रहा है और ये एक ऑक्टेट बनेगा। ये देखिए दो ऑक्टेट बनेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू देखिए ये यहां से तो आप देख रहे हैं कि 1 हो गया, देखिए ये ऑक्टेट बना तो यहां से 1 हो गया, ऊपर से क्या कॉमन आया D3 प्लस, इसके लिए भी देखेंगे तो यहां से तो 1 हो गया, ऊपर से देखेंगे D2, तो D2 प्लस D3 आ गया x की वैल्यू। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है y के लिए, सिमिलर सेम केस y के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक के मैप बनाते हैं और x की वैल्यू मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, D2 प्लस D3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमारा जो सॉल्व हो क्या आया, D2 प्लस D3। ठीक है, अगला के मैप हम y के लिए बनाएंगे, फॉर x है, अब y के लिए बनाएंगे जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन एंड फोर्टीन। ये हो गया D0, D1, D2, D3। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर हम लोग बना रहे हैं y के लिए, दिस गेम है फॉर y के लिए। तो यहाँ पे हम जैसे मिनटम लिखा हुआ, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए y के लिए तो डोंट केयर है आपका जीरो पे डोंट केयर, देन 1 है, 1 देखिए इस पे भी है क्रॉस 1, ये वाला ले लेते हैं क्रॉस 1 0 0, ये वाला ना आप देख रहे हैं क्रॉस 1 0 0, तो क्रॉस का मतलब एक बार 0 एक बार 1 और आगे ऐसे ही लगा दीजिए 1 0 0, तो ये हो गया 4 और 12, तो 4 12 पे 1 हो गया 4 एंड 12। ठीक है, आगे देखिए फिर 1 कहाँ पे, ये 1 है ट्रिपल क्रॉस 1, इसकी वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं पहले ही, वो ये है देखिए 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15, ये हम लोग लिख चुके थे पहले ही ट्रिपल क्रॉस 1, क्योंकि इसी पे आप देख सकते हैं 1 है, उसके लिए हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या बन रहा है, एक तो ये साफ साफ ऑक्टेट बन रहा है आप देख सकते हैं। अब इन दो वन को कवर करना है, मैक्सिमम क्या बनेगा क्वाड, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया D0 D1 बार D0 01 एंड 11 एंड 1
जीरो, ये हो गया डी टू, डी थ्री बार, ये हो गया डी टू एंड डी थ्री जीरो वन, यानी डी टू बार डी थ्री एंड डी टू डी थ्री एंड डी टू डी थ्री बार वन जीरो, ठीक है। एक्सप्रेशन y के लिए निकालते हैं कितना आया, y इक्वल टू, आप देख रहे हैं इस ऑक्टेट की वैल्यू देखिए, यहां से तो वन हो गई, ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, डी थ्री प्लस इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, डी वन, ऊपर से क्या आ रहा है, डी टू बार, तो डी वन और डी टू बार ये तो हो गया y, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं x, y और v, अब हमारा जो थर्ड है v, v के लिए वैलिड वैलिडिटी इंडिकेटर हम देख सकते हैं कि जब हमारा वैलिड वैलिडिटी इंडिकेटर जीरो कब है, जब सभी इनपुट जीरो हैं, आप देख सकते हैं d जीरो, d वन, d टू, d थ्री, तो ये जीरो है, और जब एक भी इनपुट आपका क्या है, हाई है, यानी कि जब सभी इनपुट जीरो होंगे तभी वैलिड, यानी कि जब सभी इनपुट जीरो होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी, और जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्लियर है। तो जब सभी इनपुट आप देख सकते हैं जीरो है, तो तभी आपका वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या है, जीरो है, लेकिन जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हाई होंगे तो वैलिड बिट इंडिकेटर की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इस केस में क्या आप देख सकते हैं, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी, इसका मतलब क्या है, सभी आ जाएंगे d0, d1, d2 एंड d3, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आएगा, ऐसे ही के मैप से आप सॉल्व करना चाहेंगे तो, ठीक है। आगे हम सर्किट ड्रॉ कर देते हैं इसका, तो ये देखिए सर्किट फाइनली इसका डिजाइन हो जाएगा, तो प्रायोरिटी एनकोडर आपका बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक्स का ये है, एक और गेट इसके लिए लगेगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो हमारा डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी जीरो है मान लिया हमने एक्स के लिए बना ले रहे हैं, आप देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, डी जीरो, डी वन, डी टू एंड डी थ्री, ये हो गया पहला। आप देखेंगे x d2 plus d3, तो ये हमने ले लिया d2 plus d3, d2 यहां से दे दिया और d3 यहां से दे दिया, ये हो गया x। y में आप देख रहे हैं ये एक तो AND गेट लगेगा और एक और गेट, तो एक AND गेट, AND गेट किसके लिए है, ये आप देख सकते हैं D1, D2 बार, D1, D1 कहां से मिलेगा, यहां से देखिए D1 एंड D2 बार चाहिए हमें, तो यहां से तो D2 मिलेगा, मैंने एक इन्वर्टर लगा दिया ये, तो ये देखिए ये D1 आ रहा है, यहां से मिल जाएगा हमें D1, और D2 यहां से मिल रहा है लेकिन हमें चाहिए D2 बार, तो यहां से आ गया, तो ये हो गया D1 एंड D2 बार, और इन इसको और इसको जोड़ना है तो एक और गेट ये हो गया, और क्या है D3, तो D3 हमने यहां से दे दिया, ये हो गया Y, और V के लिए सभी जोड़ देंगे, आप देख सकते हैं D0, D0 मैंने यहां से दे दिया, D1 यहां से दे दिया एंड D2 मैंने यहां से दे दिया एंड D3 यहां से दे दिया, ये V, तो X इक्वल टू है आपका D2 प्लस D3 और Y इक्वल टू है D3 प्लस D1 D2 बार और V इक्वल टू है D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3। तो ये आ गया सर्किट फाइनली
जिससे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है इस प्रायोरिटी एनकोडर को। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका प्रायोरिटी एनकोडर का खत्म होता है। फाइनली हमें क्या करना था, हमें प्रायोरिटी एनकोडर बनाना था। तो हमने क्या किया कि प्रायोरिटी एनकोडर बनाए यहाँ पे हमने, और प्रायोरिटी एनकोडर की क्या कंडीशन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको बताया। देन हमने देखा ट्रूथ टेबल, देखा कि हमने चार इनपुट लिए हैं और आउटपुट तीन थे। तो चार इनपुट, पहले दो आउटपुट थे आपके एक्स और वाई, और जो थर्ड आउटपुट था जिसको हम वी से डेजिग्नेट कर रहे थे उसको बोलते हैं वैलिड बिट इंडिकेटर। देन हमने देखा कि क्या कंडीशन आई है तीनों के लिए, आउटपुट के लिए एक्स वाई एंड वी। तो आप देख सकते हैं एक्स की कंडीशन एंड वाई कंडीशन एंड वी, और इसको हम डिजाइन कर दिए फाइनली ये। तो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, प्रायोरिटी एनकोडर। और एनकोडर जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है पूरा। एनकोडर जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया कल प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया था कि एनकोडर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या उसका ड्रॉबैक था या क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमें प्रायोरिटी एनकोडर पढ़ना पड़ा, मैंने वो बताया आपको, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही, कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी कंफ्यूजन है, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन हो कोई भी, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो, वैलिड बिट इंडिकेटर या कोई भी KMF से रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।